सो हेलो गाइस, कैसे हो। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विनलैंड सागा सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 की। और सीधे से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैटल आइनर और थॉर्फिन को दोस्त बनने के लिए कहता है, क्योंकि आज से वो सेम काम ही करेंगे। आइनर और थॉर्फिन एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब कैटल कहता है, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें आज क्या करना है। कैटल आइनर से पूछता है, ये प्लेस तुम्हें किस प्रकार का लगा। आइनर कहता है, जंगल जैसा। कैटल कहता है, गलत, ये आगे जाकर एक बड़ा गेहूँ का खेत बनेगा। अब सिर्फ तुम्हें इन पेड़ों को मेरे लिए काटना है। तुम्हें यहाँ की सफाई करनी है, जुताई खुदाई सब तुम्हें ही करना है। और हाँ, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा। और हाँ, मैं तुमसे कटे पेड़ों का अच्छा प्राइस भी दूंगा। और हाँ, मैंने तुम्हें जितने में खरीदा था उससे ज़्यादा तुम कमा लोगे तब मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। आइनर इस बात से काफ़ी खुश होता है। कैटल कहता है, हाँ सही रास्ता यही है कि तुम अपनी स्वतंत्रता खुद खरीदो। ये डिपेंड करता है कि तुम कितना हार्ड वर्क करते हो और क्या तुम 3 साल से पहले कर पाओगे। मैं इंतज़ार करूंगा तुम्हारी फर्स्ट कटाई की पेमेंट का। आइनर अपना अच्छा देने का वादा करता है। कैटल कहता है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम पैटर से पूछ सकते हो, ये इस जगह को अच्छे से जानता है। जाने कही क्योंकि ये बंदा भी यहाँ गुलाम था, पर मेहनत करके वो यहाँ से फ्री हो गया। अब कैटल जाते वक्त कहता है, आज तुम थक गए होगे, सो केवल आज तुम थॉर्फिन को देखो और सीखो। अब वो दोनों जंगलों में चले जाते हैं, जहाँ आइनर थॉर्फिन से पूछता है, हमारा मास्टर कैसे स्वभाव का है। थॉर्फिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कहता है, मैं नॉर्थन इंग्लैंड से आया हूँ, और तुम? थॉर्फिन कहता है, मैं आइसलैंड से आया हूँ। अब आइनर देखता है वहाँ काफ़ी पेड़ पहले से ही कटे हुए होते हैं। वो पूछता है, अब कितने और पेड़ बाकी हैं। थॉर्फिन बताता है, क्या तुम्हें वो छोटी सी नदी दिख रही है, उस नदी के दूसरी तरफ वाले सारे पेड़ अभी भी काटने बाकी हैं। और वाकई में ये काफ़ी सारे पेड़ होते हैं। अब थॉर्फिन पेड़ को काटना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर आइनर भी शुरू करता है और कुल्हाड़ी पेड़ में ही फंसा देता है। अब थॉर्फिन कहता है, उन्होंने सिर्फ तुम्हें मुझे देखने को कहा है। आइनर कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ काम करके यहाँ से निकलना है। थॉर्फिन कहता है, तो कहीं दूर जाके करो जिससे पेड़ नदी के लंबवत गिरें। अब काम करने के दौरान आइनर को भूख लगने लगती है। वो थॉर्फिन से पूछता है, पर वो मना कर देता है कि खाना कुछ लोग खुद ले आएंगे। अब आइनर को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। आइनर उनके पास जाता है, वो उसे खाने की पोटली देते हैं जिसमें आधा खाया हुआ खाना होता है। आइनर कहता है, हम दोनों के लिए सिर्फ इतना ही। वो कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। आइनर कहता है, नहीं नहीं। वो कहता है, क्या तुम फर्स्ट टाइम किसी के गुलाम बने हो। आइनर कहता है, हाँ। तो वो बंदा कहता है, तो तुम्हें हमारा शुक्रिया करना चाहिए, हम तुम्हें खाना देने आए, बस इतना ही नहीं, हम फ्री है और तुम गुलाम, कहो शुक्रिया। इस बात से आइनर को गुस्सा आती है, पर बीच में ही थॉर्फिन उन्हें रोक देता है और शुक्रिया बोलता है। अब अगले सीन में आइनर कहता है, थॉर्फिन भले ही तुम गुलाम हो, पर तुम्हें इतना अच्छा होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब थॉर्फिन उसका कोई जवाब नहीं देता और वो दोनों एक पेड़ को पानी में धकेलते हैं, जहाँ वो पेड़ काफ़ी बड़ा होने के कारण उनकी सारी ताकत खत्म कर देता है। अब शाम के समय आइनर कहता है, हम हमारे मास्टर के गुलाम हैं, गुलाम के गुलाम नहीं, वो हमें बुली कर रहे हैं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता थॉर्फिन। थॉर्फिन कहता है, फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है, अगर तुमने कुछ भी किया तो वो तुम्हें और बुरी तरह से ट्रीट करेंगे। तभी वहाँ कैटल आ जाता है। आइनर कहता है, मास्टर मुझे आपसे कुछ रिपोर्ट करनी है उन लोगों के बारे में। वो एक लड़के को देखकर शांत हो जाता है। अब अगले दिन सभी गेहूं की कटाई करते हैं, जहाँ कैटल भी काम कर रहा होता है, जिसे देखकर आइनर कहता है, मुझे पता नहीं था कि अमीर लोग भी काम करते हैं। अब हम देखते हैं उनके मास्टर का बेटा ऑलमर उनकी बात नहीं सुनता है और उनका काम प्रॉपर तरीके से भी नहीं करता है। वो वहाँ से जाने लगता है। कैटल कहता है, आगे जाकर तुम्हें इस जगह का मालिक बनना है। ऑलमर कहता है, मुझे नहीं चाहिए जगह, एक आदमी को चाहिए। कहकर वो अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी तलवार निकलती नहीं और वो वहाँ से भाग जाता है। अब शाम के समय ऑलमर एक लड़की के साथ होता है। वो कहता है, मैं जल्द ही कैन्यूट की आर्मी को ज्वाइन करूँगा। वो लड़की कहती है, सो ये फिर से करें। उस लड़की का बाप बाहर से सुन रहा होता है और खुश होता है, क्योंकि ऑलमर का बाप एक बड़ा आदमी है। तभी ऑलमर बाहर आ जाता है और कहता है,
क्या तुम पागल ये सोच रहे हो कि मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा और तुम मेरे बाप की जायदाद हड़प लोगे। वो वहां से चला जाता है। वो इस बात से गुस्सा होता है कि सभी लोग उसे उसके बाप के नाम से जानते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं, आइनर कहता है उसे खेत को ही अपनाना चाहिए। उसे लगता है कि वॉर काफ़ी कूल होती है, पर ऐसा नहीं है। मेरे गांव में 2 बार सोल्जर्स आए, फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के, जिससे मेरे पापा ने हमें बचाया और खुद मर गए। मैं सिर्फ देख पाया। और अगली बार डानेस आए, वो इंसानी भेस में जानवर थे, उन्होंने हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया। हे थॉर्फिन, तुम सो गए क्या? थॉर्फिन को भी अपने बचपन की याद आ जाती है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे तुम्हें और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन भी दबा देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।